दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 18 फरवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 3 बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। सबसे पहले ईडी ने उन्हें पिछले साल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था, जब वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब एजेंसी ने फिर दूसरा समन जारी करते हुए उन्हें 21 दिसंबर को बुलाया था। उन्होंने समन को इग्नोर किया था और ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उसके बाद ईडी ने फिर तीसरी बार समन भेज उन्हें इस साल 3 जनवरी को बुलाया था। केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी ने चौथा समन भेजते हुए उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आपका कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वह अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को भेज दे। अब यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस चौथे समन के बाद ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। पिछले समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी का यह समन राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस चौथे समन को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।